क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का HT News चैनल में खैर मकदम है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत फिर एक मरतबा एक नौजवान की बेरहमाना कत्ल की वारदात आई पेश। वाज़ेह रहे नाज़रीन के एक इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, लेकिन अफसोस के हर आए दिन इसी तरह कत्ल और कातिलाना हमलों की वारदातों का बाजार सरगरम है। हर आए दिन शहर के हर कोने, हर गली, हर कूचे से महज कत्ल और कातिलाना हमलों की वारदातें ही गश्त कर रही है। तफसीलात के मुताबिक 25 साल मोहम्मद आजम नामी नौजवान, जो के पेशे से कार ड्राइवर बताया जा रहा है, गुज़िश्ता रात मुजाहिद अली और उसके चंद दोस्तों ने बातचीत के बहाने मोहम्मद आजम को बुलाया और राजेंद्र नगर के जना चैतन्या के इलाके में वजनी पत्थरों से हमला करते हुए बेरहमाना तरीके से मोहम्मद आजम का कत्ल कर दिया। इतला के साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी है। इतला मिली है कि कातिलों ने खुद को पुलिस के आगे भी खुद सुपुर्दगी हवाले कर दी है। बहरहाल पुलिस इस मामले में मुख्तलिफ जावियों से मसरूफ तहकीकात है। पेश है HT News चैनल की एक खसूसी रिपोर्ट।